मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हिसार दौरे पर हैं। हिसार एयरपोर्ट का मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया और एयरपोर्ट पर चल रहे कार्य की प्रगति का भी निरीक्षण किया। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल और यूनिवर्सिटी के सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरु चमेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचेंगे और आपको बता दें कि यहां पर शिकायतें भी सुनेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही साथ लोग इस जनता दरबार में पहुंचकर अपनी शिकायतों को भी नोट करवा रहे हैं और आपको बता दें कि साथ ही साथ आज किसानों को भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप सैनी जुड़े हुए हैं। संदीप, जानकारी चाहेंगे और कितना देर, कब तक ये प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है? मुख्यमंत्री हिसार पहुंच चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले हिसार में बन रहे एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया है। 7,000 एकड़ में हवाई पट्टी बनेगी, उसका सर्वेक्षण किया है। उसके बाद एक मार्ग का उद्घाटन किया है और अभी जनता दरबार में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और अभी उनका स्वागत किया जा रहा है। जो जनता दरबार है गुरु चंदेश्वर यूनिवर्सिटी के सभागार में लगना है, वहाँ वो गेट पर पहुंचे हैं। अभी नेताओं और जो बीजेपी के विधायक हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उसके बाद वो अंदर आएंगे और फिर कार्यक्रम शुरू होगा। जी, क्योंकि आज संदीप, आज सीएम मनोहर लाल जो है वो कृषि मेले के समापन अवसर पर भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा, कितने किसानों की कोई लिस्ट बनी है कि इतने किसानों को सम्मानित किया जाएगा वहां पर? अभी जनता दरबार में वो पहुंचे हैं, करीब 2 से 3 घंटे ये जनता दरबार उनका चलेगा। उसके बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो कृषि मेला है उसके समापन समारोह पर पहुंचेंगे और काफी संख्या में यहाँ किसानों को सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में उच्च कार्य किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। जी, और साथ ही एक और जानकारी चाहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ और कौन कौन शामिल होगा यहाँ पर? जो मुख्यमंत्री के साथ हैं, हांसी से विधायक विनोद बिहाना, बरवाला से विधायक जोगीराम सियार और जो बीजेपी नेता है वो शामिल होंगे और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है। जी, और कितने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहाँ पर शिरकत करेंगे? हिसार में आज मुख्यमंत्री के 3 कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम हो चुका है, जिन्होंने मार्ग का उद्घाटन करना था वो उन्होंने कर लिया है। उसके बाद अभी जनता दरबार में वो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। इसके बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में समापन समारोह है कृषि मेले का, वहां पहुंचेंगे। जी, और साथ ही संदीप एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जनता दरबार मुख्यमंत्री का यहां पर लगाया गया है, शिकायतें यहां पर लोग अपनी लेकर आए हैं, कितनी शिकायतें प्रशासन के पास आई हैं? जी, करीब 400 शिकायतें हैं जो यहाँ आज निवारण किया जाएगा जिनका, और लोग यहाँ पहुंचे हैं, 400 के आसपास की शिकायतें हैं जिनको मुख्यमंत्री सुनेंगे और जिस भी विभाग की होंगी उनसे सलाह करके उन्हें निपटारा किया जाएगा। जी, एक और जानकारी चाहेंगे संदीप, क्योंकि एयरपोर्ट हिसार में बनने जा रहा है, उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया, क्या उस पर कोई बात कही उन्होंने कि कब तक ये बनकर तैयार होगा? जी, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। जो हिसार में एयरपोर्ट है उसका सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री ने किया है, अभी पहुंचे हैं, उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। उसमें यहाँ का कार्य एयरपोर्ट का हो चुका है और कितना अभी पेंडिंग है। जी, और संदीप, क्या कोई, क्योंकि हिसार में है आज मुख्यमंत्री, कोई बड़ी सौगात भी मिल सकती है हिसार वासियों को? उम्मीद रहती है, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री जाते हैं किसी जिले के दौरे पर तो ऐसे में कोई सौगात देकर आते हैं। हिसार के जो कार्यक्रम है आज, उसमें कोई जनसभा नहीं है कि उससे प्रयास लगाई जा सके, कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तीनों प्रोग्राम है। ये पहला जो उद्घाटन उन्होंने किया है, उसके बाद जनता दरबार है और जो एक कृषि मेला है वहाँ पे वो शिरकत करेंगे, क्योंकि कोई जनसभा नहीं है। अगर जनसभा होती तो उससे अनुमान लगाया जा सकता कि कोई हिसार वासियों को कोई बड़ी सौगात आज मिल सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री हिसार दौरे पर हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट का किया और साथ ही साथ आज हिसार में 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और जनसंवाद के जरिए जो है 400 से ज़्यादा शिकायतों का निपटारा भी करेंगे।